विड्रॉ की जाती है। चेस्ट एंड हम लोगों की 6 इंचीज है। ये एक तकरीबन 1.5 से 2 साल के बच्चे की शर्ट है। 6 इंच की चेस्ट लाइन आ गई। अब हम लोगों ने इससे नीचे एक मंजिल बनाई थी जिसमें हम लोगों ने इसकी बैक ड्रॉ की थी। कमर आपने देखा होगा कि चेस्ट हमेशा खुली होती है और कमर तंग होती है, तो चेस्ट 6 इंचीज है और बैक हमारी जो कमर है वो 5.5 इंचीज है। अब इसके बाद हिप्स की बारी आ जाती है, तो इसके लिए हम लोग 4 इंच नीचे एक और मंजिल बनाएंगे। ये देखिए ये, और इस पॉइंट को हम लोग हिप्स का नाम देंगे। अब ये देखिए इंचीज के ऊपर ये जो दोनों के दरमियान में बड़ी लाइन है ये हाफ को शो करती है, यानी अगर ये 4 इंचीज है तो ये 4.5 है, ये 5, ये 5.5, ये 6, ठीक। अब इनके दरमियान में जो ये जो एक और छोटी लाइन है ना, छोटी से जरा बड़ी, ये 1.25 को शो कर रही है, जिससे घड़ी की सुइयां होती है। देखिये 4 के बाद 1.25, ये 4.5, ये लाइन 4.25 और ये 5, ये 5.25, ये 5.5, ये 4.25 और 6 और ये 6.25। आपको इतनी बारीकी से बताने का मकसद ये है कि जब हम लोग शर्ट को तैयार करें तो उसमें एक सूत्र का भी फर्क नहीं आना चाहिए, यानी एक पॉइंट का भी फर्क ना आए। अब हम इसको जब 6.25 इंच ड्रॉ करेंगे, ये चेस्ट हमेशा थोड़ी सी खुली होती है, हिप लाइन चेस्ट से थोड़ी सी खुली होती है, इसके लिए हम इसको 6.25 पे ड्रॉ करेंगे। ये देखें 6.25 पे ड्रॉ करने के लिए हम इसको 2 पॉइंट आगे एक पॉइंट लेंगे। जब इस लाइन को हम लोग सीधा इसे मैच करेंगे तो ये हमारे पास एक हिप्स लाइन आ गई। इसको हम लोग 6.2 इंच, ये हिप्स है यानी कूल्हे। अब इस लाइन को हमने यहां से स्लो स्लो डॉट्स के साथ इससे हम जाकर मिलाएंगे। ये देखिए अब इसको मैं स्मूथ शक्ल दूं, अगर मैं इसको ये देखिए, जैसे ये लाइन मैंने ऊपर से बारीकी से शुरू की थी ना, तो ये सबसे बड़ा इसका स्क्वायर डब्बा बना था, ठीक है, ये सबसे बड़ा है। फिर ये इसे थोड़ा छोटा था यहां से, फिर ये उससे छोटा, ये उससे छोटा और ये उससे छोटा। तो सेम यही चीज हम लोग नीचे भी वापस टर्न कर देंगे, इसको पलटा देंगे, यानी ये ब्लॉक सबसे खुला है, अब ये उससे कम, ये उससे कम और ये उससे कम। अगर हम इसको मैं आपको मूव करके दिखाऊं, ऐसे देखें आपको यूं समझ आ जाएगा। इसकी शेप ये देखें, ये शेप जो इसकी बन गई है, ये लाइक ऐसे जैसे बे लिखा हुआ मैंने हल्की सी ऐसे, ये देखें, ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की शर्ट कम्प्लीट हो गई है। आप हमेशा याद रखेंगी यहां से आपने कभी भी इसको इतना हार्श करके ना ऐसे बिल्कुल यूं करके लाइन नहीं खींचनी फिटिंग के लिए, उससे जो है ना पेट के पास से कमीज तंग हो जाती है और चौक से ऐसे ऊपर को उठ जाते हैं जो बहुत मायूब लगते हैं। हम लोगों ने इसको हमेशा स्मूथली बिल्कुल ड्रॉ करना है। जितनी अच्छी आपकी ड्राफ्टिंग होगी उतनी ही अच्छी आपकी कटिंग होगी, और जितनी अच्छी आपकी कटिंग होगी उतनी अच्छी आपकी स्टिचिंग होगी, ठीक। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की शर्ट जो है ना बिल्कुल परफेक्ट नाप की तैयार हो गई है, लेकिन ये नाप की है, अभी इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लाइन नहीं है, यानी कटिंग लाइन इसमें नहीं है। कटिंग लाइन के लिए हम लोगों को अलग से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी जिसे हम लोग कट करेंगे। हमने इंची शेप को, ये हाफ इंच के निशान को ये देखें बिल्कुल इस गोलाई वाली लाइन के साथ साथ रखेंगे। आप शुरू में ऐसे छोटे छोटे डॉट्स लगा लें बिल्कुल हाफ इंच के थोड़े पास, इससे आप लोगों को एक स्मूथ लाइन ड्रॉ करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये देखिए अब जब मैं इन लाइंस को मिलाऊंगी, ये देखिए ये, यानी ये इसकी कटिंग लाइन आ गई है हमारे पास, ठीक। अब बारी आ जाती है साइड सिलाई की। अच्छा, साइड सिलाई में हाफ इंच कभी भी नहीं लेते, कम से कम भी लेंगे तो 1 इंच होना लाजमी है, इससे कम नहीं लेंगे, इससे ज्यादा हो तो अच्छी बात है। ये देखिए इतना मार्जिन दो, कल को कम से कम इंसान अगर थोड़ा सा हेल्दी हो जाए या किसी वजह से कपड़े खुले करने पड़ जाए उसमें कुछ तो हक हो। अगर हम लोग बहुत ज्यादा तंग उसको बिल्कुल नाप का सी देंगे और सिर्फ टांके जितनी जगह लेंगे तो कल को वो शर्ट हमारे कोई खास काम की नहीं रहेगी। ये देखिए, अच्छा इसको आपने यही एंड नहीं कर देना, बल्कि स्मूदी जहां तक ये जाए इसको नीचे तक ऐसे स्लोली स्लोली इसको आपने कम्प्लीट करना है। ये देखिए अब ये साइड लाइन की जो ना ये है कटिंग लाइन, ये आर्म होल की कटिंग लाइन है और ये इसकी साइड से की कटिंग लाइन है। ये देखिए, अच्छा एक कटिंग और रह जाती है। आप सबको बताएं हम लोगों की जो कंधे होते हैं वो थोड़े नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं,
कंधे ऐसी जगह झुके हुए होते हैं, स्ट्रेट नहीं होते। उसके लिए हम लोग इस तीरे की लाइन के ऊपर, ये देखिए बिल्कुल स्टार्ट से, बिल्कुल टॉप से मैंने आधा इंच का एक निशान लिया है, आधा इंच का एक निशान लिया है, ये बाहर वाले पे हम लोग लेंगे कटिंग लाइन के ऊपर, ठीक है। फिर थ्री को इसके ऊपर रखेंगे ऐसे थ्री, और इसको बिल्कुल टॉप पर ऊपर जाके इसको मिला देंगे। ये जो मैंने एक शेप दी है, ऐसे एक स्लाइड टाइप बनाया है, ये इसकी कटिंग है। इसकी वजह से शोल्डर के ऊपर से कमीज इंशाल्लाह हमारी परफेक्ट हो जाएगी, यानी वो यहां से बिल्कुल ऐसे खड़ी नहीं रहेगी, बल्कि ऐसे जैसे हमारे कंधे झुके हुए होते हैं वैसे ये झुक जाएगी, और हमारी बॉडी पे इंशाल्लाह एक्यूरेट परफेक्ट आएगी, जो पहनने के बाद इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी और आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लगेंगे आप उसको पहनने के बाद। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह तक हमारी शर्ट की ड्राफ्टिंग कम्प्लीट हो चुकी है, ये देखें। ठीक, अब हमारे लिए नेक्स्ट होमवर्क क्या है, हम लोगों ने इस पेज के ऊपर यहाँ पहले डेट डालनी है, फिर चार्जवा आप लोगों ने इसके ऊपर आर्म होल को ड्रॉ करना है। पहले आप इन सब शर्ट्स को कंप्लीट कर देंगे नीचे से, ये बिल्कुल सबको कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आप लोगों ने ये डेट डाली और चार्जवा आर्म होल बनाया, उसके बाद आप लोगों ने पांच पेजेस के ऊपर इस कंप्लीट शर्ट को एज दी होल ड्रॉ करना है, बगैर इसको पीछे बार बार देखते हुए, यानी जुबानी इसको जब ड्रॉ करेंगे उसे हम लोगों की परफेक्शन आ जाएगी, आपको सब जो इसके पॉइंट्स है ना वो याद हो जाएंगे, और जितने अच्छे पॉइंट्स याद होंगे आपको कटिंग करने में आसानी रहेगी। ठीक है जी, इंशाल्लाह हमारा आज का होमवर्क बस यहीं तक है, मिलते हैं इंशाल्लाह इसके अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।